है, तब तक हम इसमें अपना बैगन और आलू आग में डाल देते हैं, हो जाएगा। और आग भी कम ही है लगता, होगा भी नहीं क्या सही से। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं सब कुछ हो चुका है, वहाँ पे रोटी भी हो चुका है। देखिए आ रहे, दिखा रहे, आ रहे खाने के लिए। खा लो ले जाओ, ये देखिए आ रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा मोहन ब्लॉग्स में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हम ब्लॉग क्यों अकेले शूट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग को पता है कि अरे पापा चले गए हैं काम पर, और जब वो रात को रहते हैं तो साथ में शूट करते हैं, और दिन में जब हम ब्लॉग शूट करते हैं तो अकेले ही शूट करते हैं। और आर्या भी अभी सो गए हैं, तो अभी हम आज जा रहे हैं कुछ नया बनाने, मतलब नया रेसिपी आज भी बनाएंगे। और कुछ मतलब नया नहीं है, पुराना ही है, लेकिन वो पहले के लोगों का मन पसंद रेसिपी था। गांव के लोग, देहात के लोग अभी भी मतलब ठंडी के समय में ये चीज़ बहुत खाते हैं, और गांव वालों को इस चीज़ मतलब ठंडी के समय में बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। हमको भी बहुत पसंद आता था, गाँव में रहते थे तो डेली हम लोग बनाते थे, मतलब हमेशा बनाते थे। तो वही चीज़ आज हम बनाने जा रहे हैं, और क्या बनाने जा रहे हैं आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग हमारे ब्लॉग पे ऐसे बने रहिएगा। और आप लोग को दिखाने से पहले एक चीज़ आप लोगों से जरूर कहेंगे कि आप लोग प्लीज़ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करिएगा। तो अभी आप सब देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ लाकर हम रख लिए, और क्या बनाने जा रहे हैं वो आप लोग को अभी हम दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये है, देखिए ये बैंगन, टमाटर और आलू और प्याज। तो इसका हम चोखा लगाएंगे दोस्तों, टमाटर बैंगन आलू प्याज का चोखा, क्योंकि बैंगन का चोखा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दो बैंगन है, तीन टमाटर और इतना आलू और तीन प्याज है, इसका चोखा लगाएंगे। और ये चटनी पीसेंगे, देखिए चटनी पीसने का सामान, मिर्चा, धनिया का पत्ता, लहसुन और ये जीरा। थोड़ा सा जीरा अगर चटनी में डाल देते हैं ना तो उसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है, और बहुत ही मतलब उसका स्वाद, चटनी का स्वाद ही चेंज हो जाता है, और बहुत मस्त लगता है। और उधर देखिए बाल्टी में रखा, और मेरा चौका बिलना रखा। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं चावल की रोटी और आलू बैंगन का चोखा, आलू बैंगन टमाटर का चोखा और धनिया के पत्ते की चटनी, क्योंकि गांव के लोगों को ठंडी के समय में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आता था, आता है, और बहुत ही लोग अभी खाते हैं, गांव के लोग तो बहुत खाते हैं। और पहले के लोगों को तो और पसंद आता था चावल की मतलब मोटी मोटी रोटी और धनिया के पत्ते की चटनी, आलू बैंगन का चोखा बहुत ही पसंद आता था। तो चलिए, अभी हम पानी रख दिए हैं चावल का आटा सानने के लिए, गर्म होने के लिए, और आटा देखिए उस बाल्टी में लाकर रख दिए। तो अभी हम उसको गूंथते हैं, सबसे पहले आगे जला देते हैं, क्योंकि आगे जला देंगे तो अच्छा रहेगा ना, आगे हो जाएगा थोड़ा तो रोटी सेकने में अच्छा रहेगा। तो आगे जला देते हैं, उसके बाद आटा सानते हैं। तो आप लोग को दिखाते हैं कि हम कैसे बनाते हैं आलू बैंगन का चोखा और चावल की रोटी, धनिया के पत्ते की चटनी। तो आप लोग ऐसे हमारे ब्लॉग पे बने रहिए। तो फाइनली अभी देख सकते हैं आप सब, मैंने आग को जला दिया, और आग मेरा जल गया, जल रहा है। और यहाँ पे देखिए जितना हमको बनाना है उतना हम चावल का आटा ले लिए हैं, और अभी हम जा रहे हैं इसको सानने। गर्म पानी भी कर लिए, क्योंकि गर्म पानी में सानने से दोस्तों रोटी पूरा अच्छे से होता है, एकदम जैसे आटे का रोटी वैसे ही होता, तो गर्म पानी से सानने पर रोटी अच्छे से बेला जाता है, तो इसीलिए हम पानी को पूरा गर्म कर लिए। और अभी हम जा रहे हैं इसको सानने गर्म पानी में, और आग को हम पहले इसलिए जला दिए क्योंकि चूल्हे में थोड़ा आग हो जाएगा तो रोटी सेकने में अच्छा रहेगा, आप लोगों को जैसे कि बताया, तो इसीलिए। तो अभी हम इसको देखिए सानने जाए, बहुत गर्म है ना, तो इसको हम ऐसे पलटे से चलाएंगे, ये तो हाथ जल जाएगा इसीलिए। तो अभी चलिए हम इसको सान लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं, और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों से। तो आप सब देख सकते हैं आटा मेरा सान करके हो चुका है, और मैंने सान लिया आटा, और आलू देखिए इधर रख दिया। तो आलू को इधर मतलब हो नहीं पाएगा, आग कम रहेगा, और चीला वो क्या लकड़ी का आगे रहता तो जल जाता है, तो लेट टाइम लगेगा। इससे अच्छा हम आलू को गैस पे रख दे रहे हैं, आलू उबल जाएगा, और जो है बैंगन और टमाटर इसको हम आग में भूज लेंगे। तो अभी हम आलू को जा रहे हैं चूल्हे पर रख देंगे, उसके बाद हम रोटी बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखिए आग भी पूरा अच्छे से, और चूल्हे में भी थोड़ा आग हो चुका है रोटी सेकने के लिए, तो इसीलिए। तो अभी हम इसको रख देते हैं गैस पर, उसके बाद आते हैं रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं, और दिखाते हैं कि हम कैसे आग में चावल की रोटी सेकते हैं और बनाते हैं। आप लोग ऐसे बने रहिए हमारे ब्लॉग पे। दोस्तों देख सकते हैं आर्या भी जग गए, और आर्या देखिए कुर्सी पर बैठे, हाय बोलो बेटा, हाय बोलो, हाँ देखिए पिसान खा रहे हैं, देखिए कैसा पिसान मुँह में डाले। और अभी मैंने तवा भी रख दिया, और देखिए मैं जा रही हूँ बनाने, तो जो डोसा का इतना बड़ा बड़ा कर लिया ले लिया, तो अभी मैं इसको रोटी बना लेती हूँ ऐसे। देखिए अभी आप लोग को मोबाइल थोड़ा पास में करके दिखाते हैं, क्योंकि मोबाइल थोड़ा दूर रखे हैं ट्राइपॉड में लगा के, क्योंकि प्यारे पापा है नहीं ना,
तो मोबाइल कौन पकड़ेगा, तो इसीलिए हम मोबाइल एक जगह रख करके वीडियो बनाते हैं। तो इसीलिए देखिए इसको हम ऐसे कर लिए हैं और इसको हम ऐसे हाथ से ही दबाएंगे, हो सकता है बेलने से बेलाएगा नहीं, क्योंकि इसको ऐसे हाथ से ही मतलब ऐसे बड़ा करना पड़ता है चावल की रोटी है। देखिए और आँच बहुत तेज से लग रहा है दोस्तों, बहुत तेज आँच लग रहा है क्योंकि धूप भी हो चुका है ना इसीलिए। तो भी आप लोग को पास से करके दिखाते हैं हम अपना चावल का रोटी के, रोटी एक बन चुका है और ये मतलब एकदम सुंदर नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि थोड़ा थोड़ा साइड से फट जाता है चावल का रहता है ना इसीलिए। तो तावा भी गर्म हो चुका है, तो अभी हम तावे पर रखने जा रहे हैं। इसको तावा पर थोड़ा थोड़ा बस सेकना रहता है, ज्यादा नहीं, उसके बाद पूरा इसको आग में ही सेकना पड़ता है। तो अभी हम तावे पर रख दिए हैं, तो अभी हम तब तक दूसरा वाला भी बना लेते हैं और उसको होने देते हैं, देखिए कैसे हो रहा है। धीमी धीमी आंच पे इसको मतलब पकाना पड़ता है, नहीं तो तेज आंच रहेगा तो ज्यादा वो कड़क भी हो जाएगा और जल भी जाएगा इसीलिए, और धुआं भी बहुत ज्यादा होने लगा। तो अभी देखिए हो रहा है चावल का मेरा रोटी, जिसको खाना है वो लोग आ जाइए। तो देख सकते हैं एक हो चुका है तावे पर, थोड़ा थोड़ा बस सेके हैं, तो इसको हम अभी ऐसे खड़ा कर देते हैं आग में और फिर दूसरा वाला भी रख देते हैं, हो जाएगा। ये देखिए इसको आग में रखे हैं, तो दिखा रहा हूँ, तो देखिए तो भी इस पे मतलब ऐसे आग पे रहेगा ना तो धीरे धीरे हो जाएगा। ये देखिए फूल रहा है कैसे, तो भी हम दूसरा वाला भी रख दिए हैं और दूसरा वाला भी मेरा हो रहा है। और ये वाला तो आँच बहुत तेज से लग रहा है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास वो चिमटा नहीं ना है पकड़ने वाला, मतलब एक चिमटा आता नहीं है रोटी वोटी से को आग में तो पकड़ने वाला रहता है, वो नहीं है ना इसीलिए। क्या ये पिसान मांग रहा है, आ रहा बहुत पिसान खाता है, देखिए आप लोग। तो देखिए अभी एक मेरा हो रहा है इधर और दूसरा इधर तावे पर हो रहा है। तो अभी ऐसे ही हम सब बना बना कर उसको आग में हम सेक लेंगे और हो जाएगा मेरा रोटी। तो अभी सब रोटी बना लेंगे, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं कि चोखा कैसे बनाते हैं। तो आप लोग ऐसे रहिए और देखिए आ रहे हैं बेलना लेकर भाग रहे हैं इधर उधर। तो देख सकते हैं दोस्तों आप लोग मेरा एक रोटी ये हो चुका है और बहुत गर्म है, ये देखिए एक हो चुका है। ऐसे ही सब अभी हम बना लेते हैं फटाफट, देखिए बहुत ही अच्छे से फूल भी गया चावल की रोटी, देखिए तभी हम इसको फटाफट सब बना लेते हैं, क्योंकि 5-6 रोटी है बनाना, ज्यादा नहीं है क्योंकि ज्यादा कोई खाएगा नहीं और चावल भी बनाए हैं इसीलिए। तो देख सकते हैं सब रोटी हो चुका है और इतना रोटी 6 रोटी बनाए हैं और देखिए इतना अच्छा अच्छा हुआ है, और एक रोटी मतलब 5 हो चुका है, एक बाकी है तो एक भी अभी हो जाएगा। और देखिए आ रही है जर गए, तो दिखा रहे हैं जर गए, गर्म है तो पकड़ेंगे तो जरेंगे नहीं। तो अभी देखिए इतना सब कुछ बन चुका है और अभी हम टमाटर को भूजेंगे, और मेरा आलू बन चुका है अंदर गैस पे। बहुत गर्मी हो रहा है दोस्तों, इतना गर्मी से परेशान हो जा रहे हैं। तो देखिए अभी एक रोटी उधर हो रहा है, तब तक हम इसमें अपना बैगन और आलू आग में डाल देते हैं, हो जाएगा। और आग भी कम ही है लगता, होगा भी नहीं क्या सही से, नहीं होगा, अरे प्याज पड़ रहा है। तो देखिए 3 वो टमाटर और 1-2 बैगन डाल दिए हैं और हो जाएगा अभी। इसको हम ढक दे रहे हैं अभी आग में डाल करके अच्छे से, और इधर रोटी भी एक होना था तो भी हो रहा है। क्या आर्या बोले दे दो, आर्या को भी चाहिए। फाइनली दोस्तों रोटी वोटी सब हो चुका है और टमाटर और बैगन भी हो चुका है उसमें, और अभी हम चटनी फटाफट लगा लेते हैं, चटनी बस हमको लगाना है, उसके बाद आलू भी हो चुका है, चोखा लगा देंगे। और एक देखिए क्या हो गया, बोल रहे हमको दूध दिखाने के लिए, ये देखिए आप लोग को दिखा रहे हैं आ रहे। तो ये हम जा रहे हैं धनिया का पत्ता मिर्चा लहसुन जीरा पीस लेते हैं और चटनी लगा लेते हैं, उसके बाद आप लोग को तब मिलेंगे जब आर्या के पापा आएंगे, खाएंगे और टेस्ट करके बताएंगे कि चावल की रोटी उनको मतलब कैसी लगी, पसंद है कि नहीं।
तब आप लोग को दिखाएंगे। तो आप लोग भी ऐसे बनाइएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि पहले तो लोग बहुत ही खाते थे चावल की रोटी और धनिया के पत्ते की चटनी और बैगन का चोखा। तो अभी चलिए हम जा रहे हैं, चटनी उटनी पीस लेंगे, चोखा का सब कुछ लगा लेते हैं, आर्य के पापा आएंगे तब एक ही साथ आप लोग को मिलेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग देखते नहीं हो, वीडियो लंबा हो जाता है इसीलिए। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं सब कुछ हो चुका है, वहाँ पे रोटी भी हो चुका है, और देखिए आर्य दिखा रहे हैं आर्य खाने के लिए, खा लो ले जाओ, ये देखिए आर्य कैसे खा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे आलू भी हो चुका है, टमाटर भी, और ये बैंगन, और वहाँ चटनी भी हम पीस लिए हैं धनिया के पत्ते की। तो अभी हम चल रहे हैं चोखा लगाने, देखिए सब कुछ कितना अच्छा दिख रहा है। और ये रोटी देखिए पहले आप लोग, ये चोखा। तो फाइनली दोस्तों आर्य के पापा आ चुके हैं और देखिए खाना इनको दे दिए, चावल की रोटी, भात और चोखा और चटनी। तो अब ये चावल की रोटी खाएंगे, खाएंगे चावल की रोटी नहीं खाएंगे, क्यों हम नहीं खाते दोस्तों, ये पता नहीं क्या खाते नहीं खाते नहीं खाते हैं, बोलते नहीं खाएंगे। तो देखिए यहाँ पे है, ये थाली लगा है, तो जिसको जिसको आना है आप लोग आ रही है। और आ रही है देखिए इधर डांस कर रहे हैं, और हम लोग दरवाजे पर बैठे हैं क्योंकि अभी लाइट भग गई है, पता नहीं क्यों लाइट काट दिया, तो रूम में अंधेरा है इसलिए दरवाजे पर बैठकर वीडियो बना रहे। तो आप सबको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा हो तो बोलो बोलो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, बोलो, हटो हटो सामने से, हटो, ये तो कैमरे में ही आ जाते। तो वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए और सपोर्ट करिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।